कड़ी सुरक्षा के बीच किसान नेता जंतर मंतर पर पहुंच चुके हैं और किसान संसद का आयोजन किया जा रहा है। इस पूरे विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ किसान नेता पवन कुमार जी हैं। पवन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका पंजाब के सिटी व्यू और नवोदय टाइम्स पर। बहुत बहुत धन्यवाद तरुण जी। आज आप लोग भारी सुरक्षा के बीच किसान नेता पहुंचे हैं, क्या मतलब है किसान संसद का? देखिए, भारी सुरक्षा के बीच जो पहुंचाया गया है, किसानों की वैसी सुरक्षा की जरूरत नहीं थी। ये तो एक आडंबर बनाया जा रहा है पूरे देश में खलनायक के रूप में कि भाई एक किसान आतंकवादी है। जगह जगह पर चेकिंग हो रही है, इतनी सारी बैरिकेटिंग, इतने सारे फोर्स लगाए गए हैं कि बिल्कुल हम लोगों का जो किसानों का इमेज है उस इमेज को बहुत दूसरे टाइप से जो है देश के सामने प्रोजेक्ट किया जा रहा है। इसकी जरूरत नहीं थी। रह गई बात की किसान संसद जो लगाया जा रहा है, पिछले 8 महीने से पूरे देश का किसान के प्रतिनिधि और समर्थक दिल्ली के बॉर्डर पे 3 कृषि कानून रद्द कराने, एमएसपी की गारंटी का कानून बनवाने के लिए अपनी आवाज को उठा रहे थे और उठा रहे हैं, लेकिन आज तक 22 जनवरी के बाद से कोई भी वार्ता के लिए आमंत्रण नहीं मिला। और इस समय मानसून सत्र, जो किसानों के लिए महत्वपूर्ण सत्र होता है, सीजन हो, मौसम होता है, इस समय हम अपनी बात कहने के लिए किसान संसद लगा रहे हैं। उस किसान संसद में जो 3 कृषि कानून के बारे में जो संसद के अंदर चर्चा नहीं हुई, जो एमएसपी के जो गारंटी का कानून के बारे में चर्चा नहीं हुई, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे कि ये 3 कृषि कानून के इफेक्ट क्या है, निगेटिव इफेक्ट क्या है, किस प्रकार से जो है सो महंगाई बढ़ जाएगी, किस प्रकार से जो है हमारी मंडी समाप्त हो जाएगी, किस प्रकार से जो है सो कॉन्ट्रैक्ट खेती के माध्यम से जो है सारी किसानों की जमीन चली जाएगी, और एमएसपी पर जो है सो कानून बनना क्यों जरूरी है, इन तमाम मुद्दों पर हम लोग एक एक करके चर्चा करेंगे ताकि पूरे देश को ही पता लगे, पूरे देश जागरूक हो सके। और संसद के करीब यदि हम इस आवाज को उठाते हैं किसान संसद के माध्यम से, तो सरकार हम लोग की बात सुन सके और इस मुद्दे का हल निकाल सके, ऐसा हम लोग का मानना, इसलिए हम लोग इस संसद को लगा रहे हैं। आपने जिक्र किया कि सरकार बात नहीं सुन रही, लेकिन कृषि मंत्री तो कह रहे हैं कि बातचीत के लिए वो तैयार हैं, आप लोग बातचीत तक नहीं करना चाहते? निश्चित रूप से कृषि मंत्री जी जो कह रहे हैं उससे हम सहमत हैं, लेकिन तरीका उनके तरफ से पहल होना चाहिए। समय वो देते, कहां आना है, कब आना है, ये तो पहले भी उनके तरफ से आमंत्रण इन्विटेशन आता था, लेकिन सिर्फ बयानों के माध्यम से कैसे बात होगी, ये तो टेबल पर बात होगी। आमंत्रण जिस समय आएगा उस समय निश्चित रूप से पूरी टीम तैयार है जाके वार्ता करने के लिए, क्योंकि हम लोग 8 महीना लगातार जाड़ा हो, गर्मी हो, इसमें बरसात झेल रहे हैं, कोई शौक तो है नहीं, जरूर कुछ न कुछ हम लोगों के पेट का सवाल है, खेत का सवाल है, किसानों के जो पूरा का पूरा जो है सो सिस्टम गड़बड़ होने का सवाल है, पूरा खेत लुट जाने का सवाल है। इसलिए हम लोग जो है सो चाह रहे हैं कि सरकार वार्ता के लिए हम लोगों को बुलाए, हम लोग वार्ता करें और पॉइंट टू पॉइंट बात हो। ये नहीं कि आप एक शर्त लगा दें कि भाई कृषि कानून तो रद्द नहीं होगा, बाकी आके जी वार्ता कर लो, तो उस शर्त पर नहीं। शर्त ये कि तीनों कृषि कानून रद्द होने के लिए एमएसपी पर कानून बनने का ऑप्शन खुला रहे, उसके बाद आप समय जो देते हैं, स्थान देते हैं, टाइम देते हैं, निश्चित रूप से डेलीगेशन जाके वार्ता करने के लिए 24 घंटे तैयार है। सरकार थोड़ा झुकी है, थोड़ा आप लोग भी झुके, किसान क्यों नहीं झुके थोड़ा सा, क्यों तीनों कानून पे लगे हैं? जो सरकार कह रही है कि कुछ कानूनों में चेंजेस कर देंगे, कुछ कानून नहीं मानेंगे, कुछ नहीं लागू करेंगे और कुछ वैसे के वैसे ही रहेंगे, तो सरकार ने जो एक पहल की है, जो एक झुकाव है, तो आप लोग भी झुक जाइए। देखिए, हम लोग तो बॉर्डर पर से उठ के संसद के करीब जा चुके हैं, इसीलिए गए हैं ना कि हमारी बात को सरकार एक्नॉलेज करे, सुने, वार्ता शुरू तो करे सरकार। हम लोग तो आगे बढ़े हैं, लेकिन पहल सरकार के तरफ से होना चाहिए। शर्त नहीं होना चाहिए कि भाई इस मुद्दे पर बात करिएगा, उस मुद्दे पर बात करिएगा। अरे भाई, एमएसपी क्या आज से नहीं, आजादी के समय से ही एमएसपी के पर कानून बनने की बात हो रही है, क्योंकि लागत जो है किसानों को ज्यादा है, उसके मुताबिक C2+50% की बात जो हुई है, जो सहमत है पूरा देश, पूरे किसान, कि C2+50% एड ऑन करके जो फॉर्मूला स्वामीनाथन रिपोर्ट के अनुसार लागू होना है, उसके मुताबिक जो है सो एमएसपी तय होना चाहिए। आज से नहीं, जो अभी पक्ष में है वो पहले विपक्ष में भी रह के इस आवाज को उठाते रहे, इसकी मांग को करते रहे, तो भाई हम लोग कोई दूसरा
एक्स्ट्रा कोई नई मांग तो उठा नहीं रहे, एमएसपी की तो जरूरत है, यदि कोई भी लागत हमारा लग रहा है उस पर हमको प्रॉफिट तो होना चाहिए ना, ये तो उन्हीं का डिमांड है, हम लोग तो उसको याद दिला रहे हैं। एमएसपी पर कानून बनाने पर तो चर्चा हम लोग चाहते हैं, कोई नई चर्चा नहीं है, कोई नई बात नहीं है। सरकार को इस बात से सहमत होना चाहिए कि इनकी मांग जायज है और हठधर्मता और जिद्दीपना सरकार को छोड़ना चाहिए। अरे 8 महीना से किस प्रकार से 537 लोगों से ज्यादा किसान शहीद हो चुके हैं इस बॉर्डर पर, और 8 महीने हो गए, थोड़ा तो इस दर्द को समझिए। मानसून सत्र जब चालू हुआ उसमें क्या उन किसानों के लिए क्या दो मिनट का मौन नहीं रखा जाता उन शहीदों के लिए? नहीं रखा जा रहा। ऊपर से सवेरे से सरकार की तरफ से पुलिस को लगा दिया गया, भाई एक एक करके सारी गाड़ियां आप चेक कर रहे हैं, आई कार्ड चेक कर रहे हैं, ये क्या हो रहा है? आप चाहते नहीं है कि ये समय से पहुंच के अपनी बात को कह सके, क्योंकि संसद अभी चल नहीं रहा, बीच बीच में अवरोध हो रहा है। तो भाई यदि हमारी संसद लगेगी तो पूरा देश जानेगा, जब किसान संसद में चर्चा जंतर मंतर पर होगी तो पॉइंट टू पॉइंट बात होगा, तो किसान जागरूक हो जाएंगे। इसलिए आप नहीं चाहते हैं कि चर्चा हो, लोगों के पास बात पहुंचे, इसलिए क्योंकि इसके पहले आप लोग एक चर्चा देश में शुरू किए थे कि कृषि कानून के पक्ष में सरकार और सरकार के जो समर्थक हैं या जो पार्टियां हैं जो कृषि बिल के समर्थन में है पूरे देश को जागरूक करेगी कि भैया कृषि कानून बहुत फायदे का है, वहां पंचायत करेंगे, रैली करेंगे। मुझे तो नहीं लगता कोई रैली हुई या ना कोई महापंचायत हुआ, या अंदरूनी आपको ये पता लग गया था कि ये जो हमारी बिल की खामियां, हमारे कानून की खामियां है, इन किसानों को पता लग गया है तो समर्थन नहीं बल्कि विरोध होगा। और जहां तक विरोध आपके जो नुमाइंदे हैं सरकार के, उनके विरोध में हो ही रहा है प्रदर्शन। तो कहने का मतलब है कि ये नहीं चाहते कि सफलतापूर्वक हम लोग का किसान संसद चले। हालांकि हम लोग लोकतांत्रिक तरीके से बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से और बिल्कुल परमिशन के साथ वहां पर हम लोग अपनी बात को उठा रहे हैं और उठाएंगे जब तक मानसून सत्र चलेगा। 200 लोगों की परमिशन दी गई है, तो ये 200 लोग रोज जो आज गए हैं क्या वही कल जाएंगे या कुछ चेंज कर करके लोग जाएंगे, बदलाव होगा कुछ बता सकते हैं? नहीं, प्रतिदिन जो है जो संयुक्त मोर्चा, संयुक्त किसान मोर्चा के तरफ से जो नाम दिए जाएंगे वो लोग 200 लोग वहां पर जाएंगे। अब ये डिपेंड करता है कि मोर्चा क्या तय करती है, कुछ हो सकता है लोग प्रतिदिन जाएं और कुछ लोग बदलें, और विभिन्न प्रकार के जो मोर्चे हैं अलग अलग बॉर्डरों पर सब जगह से मिला के लोग जाएंगे वहां। कब तक आप लोग बैठेंगे, क्योंकि आपको जो परमिशन दी गई है वो 9 तारीख तक की दी गई है। राकेश टिकैत का कहना है कि जब तक पूरी संसद चलेगी तब तक हम लोग बैठेंगे, जब परमिशन ही 9 तारीख की मिली है। देखिए परमिशन देना चाहते नहीं है क्योंकि इनकी मंशा ठीक नहीं है, तो परमिशन क्या देंगे। लेकिन इन लोगों को लगा कि यदि नहीं देंगे तो भी किसान कुछ कर जाएगा, तो चूंकि हम लोग ने ऐलान किया था तो अभी तो 9 तारीख तक तो तब तक जो दिए है परमिशन तब तक हम लोग बैठेंगे, आगे क्या हम लोग आगे देखें, संघर्ष हम लोग का जारी रहेगा। आज अगर बात करें लोकसभा राज्यसभा में भी हंगामा हुआ है किसी को लेकर, साथ ही जो कांग्रेस नेता है राहुल गांधी उन्होंने भी किसानों के समर्थन में प्रदर्शन किया है और अकाली दल ने प्रदर्शन किया है, विपक्ष आपके साथ खड़ा दिख रहा है? देखिए विपक्ष के साथ साथ पूरा देश हमारे मुद्दे के साथ खड़ा दिख रहा और समर्थन कर रहा, क्योंकि ये सिर्फ किसानों की बात नहीं है, ये हर इंसानों की बात है। आज उदाहरण के तौर पर देख लीजिए जो सरसों का तेल है उसका जो रेट है कितना समान छू रहा है। यदि ये कृषि कानून लागू हो गए तो फिर खुल्लम खुला छूट है जमाखोरी करने का और रेट तय करने का, तो कॉरपोरेट जो इसमें इस धंधे में आएंगे वो उनको ये परवाह नहीं कि लोग भूखे हैं, उनको तो रहेगा परवाह कि हमारा पेट ज्यादा कब कैसे भरेगा, उनको इमोशन से कोई लेना देना नहीं। तो ये तो एक छोटा सा उदाहरण है, यदि ये कृषि कानून लागू होता है तो हर फसल पर हर प्रोडक्ट पर जो है सो इसका इफेक्ट होगा, और ये जितनी गरीबी है आज के डेट में, महंगाई इतनी है, कोई रोजगार नहीं है, हर तरह से व्यवस्था चौपट हो चुकी है, बताइए लोगों का क्या हालत होगा। ये किसानों के साथ साथ हर इंसानों की लड़ाई है और खेत के साथ साथ भारत के हर पेट की भी लड़ाई है, इसलिए यह मुद्दा जरूरी है सॉल्व होना। एमएसपी पे कानून बने और तीनों कृषि कानून रद्द हो, तभी जो है सो हम लोग आंदोलन को खत्म करेंगे, वरना हम लोग का आंदोलन बिल्कुल जारी रहेगा शांतिपूर्ण तरीके से। पवन जी एक चीज मैं आपसे समझना चाहूंगा, आखिर ऐसा क्या है कि जो आपके और सरकार के बीच
8 महीनों से अभी तक वार्ता हुई है कई बार, लेकिन कोई बातचीत नहीं निकली है। ऐसा क्या है कानून की जिसको सरकार वापस नहीं लेना चाहती, आप लोग जो है वो पूरी तरह अड़िंग है, आखिर क्यों, ये मैं आपसे समझना चाहूंगा। देखिए, हम लोग जो लड़ाई लड़ रहे हैं, हम लोग जनता के पक्ष की बात कर रहे हैं, लोगों की पक्ष की बात कर रहे हैं, लेकिन वो कुछ लोगों की बात को ध्यान में रखते हुए अड़े हुए हैं, क्योंकि वो कृषि बिल से जो है ना, किसी विशेष सेक्टर और विशेष लोगों को बड़ा फायदा पहुंचाना चाहते हैं, तो वो चूंकि उनसे बहुत ज्यादा प्रभावित है, उनके बहुत सारे एहसान होंगे, मुझे लगता है कि जो हठधर्मिता है जिस प्रकार से सरकार की हुई है, बिना कोई दलील दिए हुए, बिना कोई तर्क के, तो मुझे लगता है कोई ना कोई जो है सो ये अनदेखी कर रही है और किसी को जो है सो अच्छा खासा लाभ पहुंचाना चाहती है, क्योंकि भाई अल्टीमेटली ये कृषि कानून से किसानों का तो कोई भला होना नहीं है। एसेंशियल कमोडिटी एक्ट में सीधा प्रावधान है कि भाई आप जो भी रेट है उस पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा, वो जमाखोरी पर कोई प्रतिबंध नहीं है, पूरे भारत के किसी भी कोने से जाके आप ला जो फसल है वो ला के आप जमा कर सकते हैं, तो उस पर सारे प्रतिबंध जो पहले थे वो हट गए, तो ये इससे किसानों को क्या लाभ होने वाला है, किसान कौन जो है सो हजारों टन और लाखों टन जमा करेगा, ये तो सीधी सीधी बात है कि किसी न किसी विशेष रूप से जो जो इस सेक्टर में आना चाह रहा है उसके लिए जमाखोरी का कानून बना। मंडी के लिए जो उन्होंने ओपन मंडी कर दिया है प्राइवेट, वही सरकारी मंडी को आप मजबूत कर देते तो उसका कोई जरूरत नहीं है। तीसरे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, और चौथा है एमएसपी। अरे एमएसपी को आप प्राथमिकता दे देते, एमएसपी के कानून की जरूरत थी, वो तीनों के कानून की तो अब कभी देश में मांगी नहीं हुई है, एमएसपी के लिए तो मांग हुई है, आपने भी किया है जिसमें गुजरात के आप मुख्यमंत्री थे, तो उसको यदि आप कहते कि C2+50% के आधार पर यदि आप एमएसपी की गारंटी वाला कानून बनाते, तो मुझे लगता है कि आधा से ज्यादा जो समस्या है किसानों को जो नुकसान हो रहा है वो निश्चित रूप से अच्छे खासे मुनाफा में बदल जाता और किसान खुशहाल हो जाते और आपको तो जो है सो लंबे अवसर तक समर्थन करते रहते। लेकिन आप पता नहीं इस ढंग का बात क्यों कर रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आता। कहीं ना कहीं जो आप चाह रहे हैं कि कुछ विशेष लोगों को फायदा पहुंचाना, किस विशेष लोगों को इस इंडस्ट्री में एंटर कराना, ये बात निश्चित रूप से है, तभी आप इस प्रकार से अड़े हुए हैं। पवन जी, बंगाल चुनाव हुआ था, आपके नेता राकेश टिकैत वहां गए थे, सरकार को एक तरह से वहां पे हार मिली, अब उसके बाद उन्होंने कहा कि अगर सरकार नहीं मांगी तो उत्तर प्रदेश जाएंगे, आखिर इसके पीछे वजह क्या है? देखिए, इसके पीछे सीधे वजह है कि सरकार के पास मेजोरिटी है, मेजोरिटी से इन्होंने कानून पास करवा लिया, तो जब तक उनकी मेजोरिटी है उनको ऐसा नहीं लगेगा कि हम जब सत्ता में बने हुए हैं आगे हमको इस प्रकार का नुकसान हो सकता है आने वाले चुनाव में, क्योंकि माध्यम तो संसद में जाने का चुनाव रहा है, तो निश्चित रूप से जब चुनाव में उनको इसका इफेक्ट दिखेगा, निगेटिव इफेक्ट, तो जो है सो निश्चित रूप से उन पर दबाव पड़ेगा और उसके बाद फिर इस मुद्दों को हल करने के बारे में वो सोचेंगे। इसलिए जो है सो बंगाल हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे आने वाला कहीं पर भी चुनाव हो, इसका जो है सो मुझे लगता है कि यदि किसान आंदोलन की तरफ से लोग वहां जाते हैं और जाके इस बात को चर्चा में लाते हैं, तो इसका इफेक्ट उनके चुनाव पर पड़ेगा, उसके दबाव में आकर इस मुद्दों को हल कर ले, इसलिए जो है सो इस किसान आंदोलन की तरफ से ऐसी पहल की जा रही है। क्या किसान नेता चुनाव लड़ने की भी सोच रहे हैं? देखिए, किसान नेता कोई भी चुनाव लड़ने की बात शुरू से सिरे से खारिज करते आए, क्योंकि चुनाव तो चुनाव के समय लड़ा जाएगा, वो तो 2024 में है, लेकिन इस समय जो है सो जो परेशानी किसानों के मुद्दों के इफेक्ट से है, अभी हम लोग उस पर बात कर रहे हैं। कोई भी किसान आंदोलन के तरफ से कोई भी चुनाव लड़ने के लिए कोई ऐलान नहीं किया है, तो ये तो बिल्कुल एक बेबुनियाद बात है, मुझे नहीं लगता है कि इसमें कोई दम है। बहुत बहुत शुक्रिया पवन जी, पंजाब केसरी टीवी और नवोदय टाइम से बातचीत करने के लिए, और उम्मीद करें कि जल्द किसानों और सरकार के बीच जल्द ही बातचीत हो और कोई रास्ता निकले, ताकि 8 महीने से बैठा किसान बोर्डरों पर अपने घर लौट सके। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद, नमस्कार जी।